मेरे लिए रुको, मेरे लिए रुको, बिल्कुल नहीं, ये लूजर्स के लिए नहीं है। हाय। हाँ, मैं यहाँ बैठने वाली हूँ, बहुत शर्मनाक है। हे, बिल्कुल नहीं पड़ाकू, इस सीट पर कोई बैठा है। नहीं हगी, मैं जा रही हूँ, सब बहुत खराब है। अच्छा, मैं यहाँ अकेले बैठूंगी। देखो हगी, ये मिल्टन बिल है, तुम्हें ये टाउन पसंद आएगा। ओह, मुझे चोट लग गई थी। क्लच थोड़ा आराम से छोड़ो। वाओ, क्या लूजर है। हगी कहाँ है, क्या तुम्हें चोट लगी? ओह, तुम अच्छे से बैठे हो, तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे अपनी रखवाली खुद करनी होगी। ओह, मुझे माफ करना, मुझे ये निकालना होगा, ये सेफ्टी के लिए है। मुझे इस बेल्ट की ज्यादा जरूरत है। मैं निंजा हूँ, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अब मुझे संभल कर रहना होगा। सीट बेल्ट भी स्टाइलिश होनी चाहिए। अब मैं पिछले हफ्ते की तरह विंडशील्ड से नहीं गिरूंगी। हम पहुँच गए। हे, उस बारे में सोचना भी मत। मैं हमेशा पहले जाती हूँ। मैं अभी यहाँ बैठ जाती हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ। ओह, माफ करना, तुम ठीक हो? ओह नहीं, मेरा फोन। ओह, मेरा दिल स्क्रीन के साथ टूट गया। तुम मुझे ये ठीक करके दोगी? ये मजेदार है। ओह, ये मेरी गवाह होगी। नहीं, वो नहीं बनेगी। मैं तुम दोनों से निपट लूंगी। दोस्तों, नीचे कमेंट करें और हमें बताएं ये किसने शुरू किया। तुम सेफ हो, मैं वादा करती हूँ। मैं बस की सबसे अच्छी सीट लूंगी और सब मेरे साथ बैठना चाहेंगे। हाँ, ये खराब है। ओह हाँ, हे पड़ाकू लड़की, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाते हैं। ये किडनैपिंग है। हिलो मत, वरना तुम्हारे लिए बुरा होगा। नहीं, मत करो, ये यहीं रहनी चाहिए। वैसे यहाँ मेरे घर के कमरों से ज्यादा जगह है। मुझे उम्मीद है ये चाबी काम आएगी। मैं बाहर आ गई। तुम्हें क्या चाहिए हगी? मैं तुम्हें बढ़िया सीक्रेट रूम बनाने का राज बताऊंगा। बस में सीक्रेट रूम बनाने के लिए मुझे यही चीज चाहिए थी। शुक्रिया हगी। स्निप स्नैप। बढ़िया, ब्लैंकेट तैयार है। चलो आगे बढ़ते हैं। और वो बिल्कुल हाँ, और मैं बिल्कुल हाँ। ओह नहीं, ये वापस आ गए, ये मुझे फिर से किडनैप कर लेंगे। हे मॉली, मुझे बचाओ। ओह, वो देख लेगी। ओह, एक आइडिया है। रोबो हैंड, हगी को इधर लाओ। नहीं, चलो भी, ये हगी नहीं है। चलो एक और बार करते हैं। अच्छा नहीं, मुझे लाइट बल्ब की क्या जरूरत होगी, मुझे हगी चाहिए। फिर से फेल हो गई। ओह, वो जा रही है। चलो जेकब का वर्कआउट देखने चलते हैं। आखिरकार बेबी, मैं तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ूंगी। ओह, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? अगर हमें एक बल्ब और थोड़ा कॉटन मिल जाए तो हम बढ़िया शैंडलर बना सकते हैं। वाओ, वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मेरी मदद करने वाले हो ना? ये हो गया। हम बल्ब कहाँ लगाएं? ओह हाँ, बीच में। अच्छा है, अब हमें चुपके से बस में शैंडलर ले जाना है। ओह देखो, ये जेकब है। वाओ, वो बहुत हैंडसम है। हे, वो मेरा है। रुको, मुझे जूडो आता है। आओ आओ आओ, ये जूडो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसमें चोट लगने वाली है। ओह पड़ाकू, मेरी मदद करो। शुक्रिया, मैं इसका बदला लेकर आऊंगी। ला 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 ला, ओह मेरा जूस। शांत हो जाओ, मुझे नहीं। हेलो हैंडसम। क्या नहीं, मुझे तुम्हारी शरारते में कोई दिलचस्पी नहीं है। शुक्रिया, वो तुम्हें देखकर डर गया, वो हमारे लायक नहीं है, हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। लेसन के लिए कितना मजेदार टॉपिक है। हेलो, अभी वापस आता हूँ, सही से रहना। वो चले गए। ये लो। ओप्स, ओ क्या ये टूट गया, ये टूट गया।
क्या हुआ? ये किसने किया? हमें प्रैक्टिस के लिए जाना है। क्या हो रहा है? ये मैंने नहीं किया। मैं ये और नहीं सह सकता। इसे अभी साफ करो। मॉली, तुम कर सकती हो। मुझे तुम पर भरोसा है। ओह, बेयर फट गया है। ये लड़कियाँ बहुत खराब है। मैं फट गया हूँ। कुछ करो मॉली। ठीक है, अगर इन बलून से अपने डोनट को पाउडर्ड शुगर की तरह सजा दूँ तो? बहुत नरम है। बढ़िया, चलो इसे बस में ले चलते हैं। बस बहुत बढ़िया है। काश उसमें कोई बदमाश नहीं होता और फिर सभी दोस्त जैसे होते। मैं व्हील्स को पेंट करूंगी। ओह, मेरी पेंसिल टूट गई। क्या मैं बढ़िया छोटा प्रिंटर इस्तेमाल करूं? वाओ, ये बढ़िया है। उस लूजर को देखो। ओह, सुंदर ड्राइंग्स है। अगर इनको कुछ होगा तो यकीनन बहुत शर्मनाक होगा। नहीं, प्लीज, तुम ये क्यों कर रही हो? हम वापस आएंगे। ओह, ये पजल की तरह है। अच्छी बस है। मुझे एक आइडिया आया। मुझे साइन बनाना होगा। मुझे बहुत जगह चाहिए। मेरा मार्कर कहाँ है? ये रहा। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। मैं पहले स्केच बनाऊंगी। अब मार्कर की जरूरत नहीं है। इसे हिलाओ और वोइला। बहुत अच्छे। मैं इसे छुपाकर बस में ले जाऊंगी। हे, ध्यान से, ये मेरे नए स्नीकर्स हैं। बिल्कुल ये नए हैं। क्या तुमने कुछ कहा? हगी वगी कहाँ है? मेरे साथ आओ मॉली। तुम कहाँ जा रहे हो दोस्त? मेरे लिए रुको। कितना ऊंचा है, मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रही। ओफ, ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे सीढ़ियाँ चाहिए। नॉलेज के स्टेप्स कितने अच्छे लगेंगे। मैं आ रही हूँ अगी। ओह, ये अभी भी ऊंचा है। शायद मुझे इन सबसे बुक्स लेनी पड़ेगी। माफ करना, मैं बाद में वापस देती हूँ। अभी के लिए ये पकड़ो। प्यू प्यू प्यू। ये मेरी स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं। बहुत बढ़िया। ओह, मैं भूल गई थी। एक साइन। कूल बस और कूल मॉली। मुझे अपने आप पे गर्व है। ओह, मैंने टेबल बनाया था। बहुत अच्छे। आप पीछे की सीट पे मजे करते हैं। तुम्हें जैज पसंद है? कितनी अजीब आवाज है। चलो इसे ठीक करते हैं। ला 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 ला। ओह, ऐसा लगता है मेरे म्यूजिक ने इन कूल गर्ल्स को अट्रैक्ट किया। क्या तुम तैयार हो? ओह नहीं नहीं नहीं, रुको। वो क्या है? बंद है। मेरी खुद की जगह तैयार है। मैं अपना सीक्रेट रूम शैंडलियर से सजाऊंगी। इधर कितने सुंदर बादल हैं। मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए। वो उधर पढ़ रही है। चलो यहाँ से चलते हैं। इधर बैठो हगी, मुझे पेंट करते हुए देखो। ला 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 ला। इसे खाओ। पर मॉम, कोई सवाल जवाब नहीं। इनको कहीं रखना होगा। ये काम करेगा। कितना अजीब सा टॉय है। क्या मॉम, हगी नहीं? नहीं मॉमी, उसे आराम से रखो। मैंने सारा खत्म कर लिया। मैं तुम्हें बचा लूंगी। हगी, रुको। वाह हगी, क्या ये तुमने खुद किया? ये बहुत सुंदर है। मॉली, मैंने कुछ बहुत सुंदर बनाया है। वो अपने आप कभी साफ नहीं करती। ओह, बहुत सुंदर। हगी और मैंने बनाया है। हेलो। अच्छा, एक दिन तुम्हारे पास बहुत अच्छे दोस्त होंगे। मुझे तुम पर गर्व है। देखो कौन आया है, तुम्हारी फेवरेट ग्रैंड मदर। हाय ग्रैंड माँ। हे हगी, तुम कहाँ गए? आज ग्रैंड माँ आई है। मेरी तरफ से उन्हें हग करो। आओ गले लगो। एक मिनट रुको, तुम कौन हो? ओह, अच्छा, ये रहा गिफ्ट। शुक्रिया। बस इतना ही नहीं, ये बर्ड भी है। उठ जाओ। ठीक है,
और वुल्फ तुम्हारे लिए ये लाया है। वाह, ओह मॉम, आपको आराम करना चाहिए। शुक्रिया ग्रैंडमा, मेरे पास आईपैड है और सस्पेंडर। ये सब काम करेगा, काट दो। अब मेरे पास टैबलेट के लिए कूल केस है। अच्छा चलो ट्राई करके देखते हैं। एकदम परफेक्ट। चलो इसे बैग में रख देते हैं, कल बहुत कूल दिन होगा। हाँ हगी। क्या मैं लेट हो गई? मुझे बस के लिए भागना होगा। रुको मत जाओ, बस हो गया। फिर बहुत मुश्किल से पहुंची। ओह हाँ, ये लगाती हूँ। अब सबसे जरूरी चीज, मेरा कूल टैबलेट। ध्यान से फास्टनर से लॉक करती हूँ ऐसे। और हाँ, जो भी मुझे सीक्रेट रूम के लिए चाहिए। तुम क्या कहते हो हगी? तुम बहुत अच्छी हो मॉली। तुम दोबारा ट्रूम ट्रूम ट्रिक मेरे बिना देख रहे हो? मेरी सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर है, जैसे मैं। बढ़िया। और मैंने कहा बाहर में जाओ जेकब। क्या मजे करें? वाह। हे गर्ल्स, तुम इधर क्यों तांग झांग कर रही हो? दरअसल रूबी और केट का यहाँ आना मना है। अच्छा बुलीज, क्या तुमने सुना वो क्या कह रही है? आओ आराम से। कूल। तुम्हारा शुक्रिया। स्माइल करो, बोलो ट्रूम ट्रूम ट्रिक। देखो पिक्चर में कौन है? मैं। तुम मेरे फेवरेट हो। सब क्लास में वापस जा रहे हैं। स्कूल बस उतनी अच्छी जगह नहीं है, यहाँ स्टेटस बहुत जरूरी है। एक नर्ड कूल स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठ सकता। बेटी को दूसरी जगह देखनी चाहिए। पीछे की सीट सबसे बुरे बुलीज के लिए है। लूजर्स का आना मना है। बेचारी लड़की, ये लोग उसे शांति से कॉलेज नहीं जाने देंगे। नर्ड के लिए उसका बैकपैक सबसे कीमती चीज होती है। इसमें बहुत कीमती नॉलेज होती है। ये सारी नॉलेज सीधा जाकर बेटी के सर पर गिरी। इतना तंग होने पर वो रो देगी। काश वो अपनी छोटी बहन कैट की तरह मस्त होती। वो शहर की सबसे हॉट चीयरलीडर है, सब उसके लिए पागल है। शायद उसके साथ रिश्ता होने की वजह से क्लासमेट्स बेटी की भी इज्जत करें। कॉलेज में सभी को कैट बहुत पसंद है। बस अब वो लोग उसकी नर्ड बहन को तंग नहीं करेंगे। अब उसके लिए एक खास जगह बनाते हैं। ओ हाँ, हम बस में सीक्रेट रूम बनाने वाले हैं। क्या इसके बाद बेटी मशहूर हो जाएगी? शायद नहीं, पर उन्हें मजा जरूर आएगा। वो अजीब स्टूडेंट्स बहुत गंदगी फैला गए। सबसे पहले सफाई करनी होगी। बेटी को मदद की जरूरत है, पर कैट उसे नजरअंदाज कर रही है। उसे प्रैक्टिस करनी है। एक बार किसी को लगा बेटी क्लीनर है, और उसने एक हफ्ते तक कॉलेज की सफाई करी। और असली क्लीनर उसकी जगह क्लासेस में गई, थोड़ी नॉलेज पाई और बेहतर जॉब ढूंढ ली। अगर उसकी बहन सीट से छुटकारा पाने में मदद करेगी तो जल्दी हो जाएगा। कैट के लिए सब आसान है, वो बहुत टैलेंटेड है। बेटी थोड़े गुस्से में है, जलन बहुत बुरी चीज है। बेटी को छेलना सीखना होगा। कैट डांस की रिहर्सल करते करते थक गई है, और उसकी बहन फ्यूचर सीक्रेट रूम का ब्लूप्रिंट बना रही है। अगर पम्पकिन को कैरेज बनाना मुमकिन होता तो ये लड़कियाँ इससे कमाल का सीक्रेट रूम बना देती। शायद खिड़की खोलना बुरा आइडिया था। सब सीधा बेटी के मुंह पर आकर लगा। ये फैब्रिक कैनोपी के लिए परफेक्ट है, उन्हें और चाहिए। परफेक्ट, बिल्कुल कैट के सारे कामों की तरह। लगता है बस ड्राइवर आ गया। मिस्टर जैक्सन का रेस कार ड्राइवर बनने का सपना था, पर वो हो नहीं पाया। पर अब वो बस चलाते हैं, लॉन मोवर नहीं, और ये बहुत करीब है। असली रेस करना उनका सपना है। गली के कुत्ते और माफिया उनके पीछे पड़े हैं, बहुत दौड़ते हैं। स्पीड उनका मिडिल नेम है। बर्थ सर्टिफिकेट में जैक्सन नाम में बहुत गलतियाँ थी। इस लड़के को शार्प टर्न्स बहुत पसंद है। बेटी को सब कुछ ठीक करना होगा। अच्छा वो स्टार्ट करना भूल गया तो क्या हुआ? इसीलिए किसी को नर्ड्स पसंद नहीं है। उसे हेडलाइट पसंद आई। अगर गायब भी हो जाएगी तो जैक्सन को पता नहीं लगेगा। वो वैसे भी अंधेरे में ड्राइव नहीं करता, उसे अंधेरे से डर लगता है। उसकी बहन टिकटॉक्स बनाने के लिए इस हेडलाइट का इस्तेमाल करेगी। बेटी के साथ ऐसा ही होता है। वो मदद करना चाहती थी पर फोटो खराब कर बैठी। पर अब लड़कियों के पास हेडलाइट्स हैं, अब वो स्टाइलिश लाइटिंग बना सकती है। अब साफ है कि बहनें बहुत अलग अलग हैं। क्या बात है, और ग्लोइंग हाथ और भी कमाल है। इससे बस एक टॉर्च की तरह चमक उठी। पूरी इंटीरियर पर चार चांद लग गए।
बैठी ने देखा उसकी बहन कुछ अजीब कर रही है। वो अपना सर हिलाए जा रही है, शायद ये कोई नया टिकटॉक डांस है। उसका नर्डी स्वभाव बहुत दिलचस्प है। कैट तो बस टेनिस देख रही है। कई लोग ग्रैंड स्लैम के लिए उत्सुक है, पर सबके पास स्क्रीन के जरिए वर्ल्ड टूर्नामेंट की बॉल्स नहीं आती। बेटी को वर्चुअल रियलिटी और टेनिस बॉल बहुत पसंद है। अगर ज्यादा मिल जाए तो लड़कियां सीक्रेट रूम के लिए काम की चीज बना सकती है। एक आरामदायक मसाज चेयर की तरह आखिरी स्टेप है मनपसंद रंग करना। मिस्टर जैक्सन को हर जगह सबसे जल्दी पहुंचना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वो कुछ रूल्स तोड़ते हैं और शार्प टर्न्स लेते हैं। बेटी का चश्मा खो गया था और वो बिना चश्मे के चश्मा ढूंढ भी नहीं सकती। अगर कंफ्यूज ड्राइवर हाथ में स्टीयरिंग व्हील लिए कैबिन में कौन ढूंढ रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। लड़कियों के पास इसके लिए वक्त नहीं है, वो खुद देख लेगा और वो अपने सीक्रेट रूम का काम आगे बढ़ा सकती है। उन्हें ऐसे कोन्स की ही जरूरत थी, टेबल के लिए बिल्कुल परफेक्ट। लड़कियों ने उसे कैट के स्मार्टफोन पर रख दिया। वो बिना टिकटॉक के कैसे रहेगी? उसकी मदद करो, कमेंट्स में उसे बताओ उसका फोन कहाँ है। वो कैट की वीडियोस के बगैर नहीं रह पाएगी। ओ शुक्रिया दोस्तों, कैट आपसे बहुत प्यार करती है। खाने की डिलीवरी बिल्कुल सही वक्त पर आ गई। बहनों को बहुत भूख लगी है। कैट को इतनी प्यास लगी है कि उसने सोचना ही बंद कर दिया। वो अपने दांतों से बॉटल खोलने की कोशिश कर रही है। रुक जाओ, थोड़ा चीट करके इसे एक ताकतवर इंसान से खुलवाना सही रहेगा। मिस्टर जैक्सन को पेपर बैग से डर लगता है। सब स्टूडेंट्स इस बारे में जानते हैं और उस पर प्रैंक किया करते थे। उसके मजबूत और शेकी हाथों से मदद मिल सकती है। लड़कियों को बस बॉटल को नीचे की तरफ रखना होगा। वो उन्हें ऐसे खोल रहा है जैसे बच्चे क्रिसमस पर तोहफे खोलते हैं। बहनों के दांत बच गए पर मिस्टर जैक्सन के नाखून और दिमाग नहीं रहा। वो बहुत कांप रहे हैं पर लड़कियों के पास ढेर सारे ढक्कन आ गए। उन्होंने एक सुंदर मिरर फ्रेम बनाया। उन्हें बस उसके लिए एक अच्छी जगह देखनी होगी। कैट ने अपनी बहन को चीयरलीडिंग सिखाने का सोचा। जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। बेटी के चेहरे को नजरअंदाज करना आसान नहीं है, चाहे साथ में पॉम पॉम्स भी क्यों ना हो। कोरियोग्राफी एक कला है और सारी कलाओं की तरह ये भी सबके लिए नहीं है, पर पॉम पॉम्स सीलिंग पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। शायद उन्हें पूरी सीलिंग पर सजा देने चाहिए। क्या बात है, उन्हें बस थोड़े और चाहिए। उन्हें जल्दी से ऑनलाइन ऑर्डर करने होंगे। इनकी कीमत 10,000 लाइक्स है। इस वीडियो को लाइक करें प्लीज। हर लाइक हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया दोस्तों, अब ये परफेक्ट है। मेकअप कैट की पहचान है, अच्छा दिखने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत घुटन है, बेटी को सांस नहीं आ रही। हवा आने की वजह से कैट को मेकअप में मदद मिल गई, पर हेज तक चढ़ कर जाना बुरा आइडिया था। बेटी के सर पर रॉड साइन आकर लगा। उम्मीद है साइन ठीक है। बेटी जितनी दिखती है उससे कई ज्यादा स्ट्रांग है। कैट बेटी का मेकअप करना चाहती है। क्या पता उन चश्मों के पीछे हसीन आंखें निकले। बेटी ने एक बार अपने अंकल के फार्म में एक बुल का दिल जीत लिया था, पर ये सही से नहीं हो रहा। आर्टिस्ट में परेशानी नहीं है बल्कि कैनवास पे है। पर कैट को भी सही तरीके से कूड़ेदान में फेंकना सीखना होगा। बेटी को सफाई बहुत पसंद है। फर्श पर कचरा देख कर उसे गुस्सा आता है। उसे सफाई को एक गेम में बदलना होगा, नहीं तो उसकी बहन कभी सफाई नहीं करेगी। कैट को स्पोर्ट्स और जीतना बहुत पसंद है। उसे इस मामले में उल्लू बनाना आसान है। मिस्टर जैक्सन बिल्कुल सही वक्त पर आए। इंडिपेंडेंस के फाइव वक्त से ज्यादा उन्हें चमचमाती हुई बास्केटबॉल के हूप ने हैरान कर दिया। बॉल से खेलना किसे पसंद नहीं है। वो अपनी कॉलेज टीम के सबसे अच्छे सदस्यों में से एक थे। वो हमेशा बेंच पर बैठते थे, पर फिर भी एथलीट्स कैट की कमजोरी है। चलो देखते हैं मिस्टर जैक्सन क्या कर सकते हैं। क्या बात है, पर बॉल उनके टूथ पिक पर लग गई और उसमें छेद हो गया। बिल्कुल कूल नहीं है। अब उनके पास बॉल नहीं है, पर उदास होने की जरूरत नहीं है। वो इससे काम चला सकते हैं। एक सेकेंड, अगर ड्राइवर यहाँ है तो बस कौन चला रहा है। जैक्सन को लगा ऑटो पायलट मोड है। अपने सपने के बारे में सोचना उसे पाने का बहुत अच्छा तरीका है। जैक्सन ने रेस जीतने का एक फोटोशूट बनाया। उसे पूरा विश्वास है उसके और शूमाकर के बीच कोई फर्क नहीं है। जैक्सन गोल्ड कप के काबिल है। अब सही है, अब उसे साबित करना होगा वो चैंपियन है। सीट बेल्ट लगा लो बच्चों और पकड़ के बैठो। जैक्सन ने कुछ खाने के लिए टाको बेल को चुना। ड्राइविंग करते वक्त खाना रूल्स के खिलाफ है। किसी भी काम की जगह को डाइनिंग रूम में बदलना आसान है। कैट के पास अपनी बहन के लिए कमाल का सरप्राइज है। सबको तोहफे अच्छे लगते हैं, पर बेटी को अक्सर नहीं मिलते। न जाने अंदर क्या है। वाह, कॉन्स्टिट्यूशन। हे, पेजेस कहाँ है। और एक पढ़ाकू का सबसे बुरा सपना सच हो गया।
ये बुक में पेजेस नहीं है, ये कोई बुक नहीं, छिपाने की जगह है। हर लड़की कुछ अपने राज होने चाहिए। कैट ने अपने नाम का पहला अक्षर बनाया। अब सब देख सकते हैं कि ये उसकी जगह है। बेटी को भी बनाना है। उदास नहीं होते, जैसा तुम्हारी बहन ने बनाया तुम भी बनाओ। पर ये गलत अक्षर है। अरे माफ करना, कोई परफेक्ट नहीं होता। हाँ ये सही अक्षर है। लो आखिरी स्टेप है, इसे सजा कर रखने के लिए सही जगह ढूंढना। अच्छा लग रहा है, रिंग के ऊपर रखना सही रहेगा। ये लोग तीसरी बार कॉलेज तक आए हैं और बारिश की वजह से सड़क में फिसलन है। वो जानता था ऐसा दिन आएगा। ये आ गया ट्यूसडे। हे टूथपिक अंदर मत फेंको। लेकिन क्या निशाना लगा, दीवार पर लगा बेटी का अक्षर फिक्स हो गया। कैट ने दीवार पर पेंट से फूल बनाए। बेटी भी ये करना चाहती है पर उसका नजरिया अलग है। लगता है प्रॉब्लम उसी में है। वो हमेशा नर्ड रहेगी, वो खुद भाग कर बस नहीं पकड़ सकती। कैट ने हार मान ली। वो अपनी ड्राइंग पूरी करना चाहती है पर पेंट खत्म हो गया। बेटी की परेशानी भी यही है, अगर वो और पेंट नहीं कर सकते तो खाली स्प्रे कैंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने ब्रशेज और बाकी चीजों के लिए एक सुंदर ऑर्गेनाइजर बनाया। बहुत खूब लड़कियों, बस पूरी स्पीड से अनजान रास्ते की ओर बढ़ रही है। ड्राइवर सो गया, कल उसने देर रात तक जागकर भी बेयर बेयर्स देखा। कैट भी उसे उठा नहीं पा रही। वो अभी तक 3 रेड लाइट्स पार कर चुके हैं और आगे एक कंस्ट्रक्शन जोन आ रहा है। कैट को बहुत डर लग रहा है, उसे ड्राइवर की जगह लेनी होगी और वो जाकर अपनी नींद पूरी करेगा। कैट के पास लाइसेंस नहीं है पर वो हमेशा से ड्राइविंग करना चाहती थी। स्कूल बस नहीं पर एक रेड कन्वर्टिबल। उसे चेन वाली घड़ी मिली। उसने ऐसी ही एक घड़ी किसी शो में देखी थी। उन्होंने एक आदमी को हिप्नोटाइज किया और उसे ऐसा जताया कि वो एक कुत्ता है। उसने जैक्सन को हिप्नोटाइज कर दिया और अब उसे लग रहा है वो ड्राइवर है। शायद वो उसका होमवर्क भी कर दे। पर मैथ्स के लिए किसी बस ड्राइवर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर वो कर पाता तो अभी तक कर दिया होता। कैट अपनी सुंदरता पर बहुत वक्त गुजारती है। बेटी को भी ट्राई करना है। मैगजीन वाले फ्री सैंपल्स हमेशा प्रोडक्ट से बेहतर होते हैं। उसकी बहन के पास ढेर सारी मैगजीन्स हैं। शायद काम आ जाए। वाह, वो बहुत सुंदर लग रही है। ये बेटी है या कोई नई हॉलीवुड स्टार? पर उसे मैथ्स के बारे में भूल जाना चाहिए। क्रेजी फैंस हर जगह कैट का पीछा कर रहे हैं। सभी को उसका ऑटोग्राफ चाहिए। अब दुनिया को नई ब्यूटी दिखाने का वक्त आ गया है। देखो उसने कैट के सारे फैंस चुरा लिए। कैट को थोड़ा गुस्सा आ रहा है और बेटी बहुत खुश है, बिल्कुल वैसे जब उसने नेशनल फिजिक्स कॉम्पिटिशन जीता था। अब वो दोनों सच में बहनों जैसी दिख रही हैं और उनकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसमें वो डॉल्स होंगी। क्या? हाँ ब्रो, ये ट्रूम ट्रूम ट्रिक है, न जाने आगे क्या हो जाए। एक चीज है जो हम पक्का जानते हैं कि जैक्सन एक बुरा ड्राइवर है। उसे मत बताना कि मैंने ऐसा कहा। हैरान होने वाली बात है कि मैजिक हाउस में डॉल्स जिंदा हो जाती हैं। मैसी की डॉल्स के साथ ऐसा हुआ। उन्होंने सबसे पहले अपने आसपास देखा और अपने रूममेट से मिले। माहौल अजीब लग रहा है। नई डॉल्स ने उसी वक्त बारबी और एरियल को अपना जोर दिखाने का सोचा। उन्होंने एक दूसरे को पसंद नहीं किया और अपनी अपनी जगह से बहस शुरू कर दी। जेनी और मोनिका ने बाउंड्रीज बना ली। लगता है डॉल बैटल होने वाली है। बस जरूरी बात ये है इस जंग में घर को कुछ ना हो। ये मेसी की लिपस्टिक है। उसके पास एक और छुपा हुआ सरप्राइज है। अरे बारबी ने पहले ही ढूंढ लिया, वो यहाँ आई कैसे? मेसी नहीं जानती उसकी डॉल जिंदा हो गई है। बारबी अकेली वापस नहीं आई, वो एक बड़ा सा शू लेकर आई है। कमाल है ना? तो उन्हें एक सुंदर कुर्सी मिल गई। सिंड्रेला को बहुत पसंद आती पर सब डेकोर से खुश नहीं है। जेनी को पूरा विश्वास है कि वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है और बारबी को लगता है सब मेकअप का कमाल है। अगर उसे बलून में छिपा दे फिर देखते हैं तुम कितने सुंदर हो।
इन्फ्लेटेबल बलून सेफ जगह नहीं है, पर सबसे अनोखी जगह जरूर है। जेनी घबरा गई, उसकी ग्लिटर गायब हो गई। अब उसे वो सिर्फ डार्ट्स की गेम खेलकर ही वापस मिल सकती है। चलो शुरू करें। जेनी फेंकने वाली थी पर वो लाइन के पार चली गई। बार्बी चीट नहीं करने देगी। टारगेट पर लगा पर उसमें ग्लिटर नहीं थी। कमेंट्स में जेनी को बताएं उसे किस बलून पर डार्ट मारना चाहिए। उसे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। बार्बी और एरियल को बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है, मजेदार है। पर बर्डी दूसरी तरफ चला गया। बार्बी ने बाउंड्री को थोड़ा बढ़ाकर उसे लेने का सोचा और फंस गई। इस तरह मोनिका ने उसे पकड़ लिया। बार्बी को डर लग रहा है कि वो दोनों उसके साथ क्या करेंगी, पर पहली बार था तो उसे जाने दिया। डॉल्स ने इस बार अपने रूममेट से अच्छा बर्ताव करने का सोचा, पर हाँ, पर उन्होंने पेमेंट के लिए कुछ लिया जरूर। बर्डी दोबारा जरूरत पड़ेगी। डॉल्स ने अपने रूम के लिए उससे गार्डन बनाया। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेसी को बेबी शार्क सुनते सुनते अपने खिलौने के बारे में याद आया। वो अपने घर में इस तरह से रह रहे हैं। एरियल चाहे अपनी टेल के साथ बहुत खुश नहीं होगी, पर ड्रेस उस पर ज्यादा अच्छी लगती है। नई लुक से डॉल चौंकी ही नहीं बल्कि डर गई। हमेशा वो सपने में पैर देखा करती थी और अब अचानक उसके पास आ गए। अब उसे बस इन्हें कंट्रोल करना और एरी पर पंख से गुदगुदी सहना सीखना होगा। चलना इतना आसान नहीं है, पर वो बहादुर लड़की है, वो कर सकती है। आखिरकार अब वो डांस भी कर सकती है। अब वो म्यूजिक की बीट के हिसाब से फ्लोर पर अपनी टेल नहीं हिला रही। एलोएल डॉल्स को ऐसे पार्टी करना पसंद नहीं है। बार्बी अपनी दोस्त के लिए खुश है और टेल को भी बीते हुए कल की याद के तौर पर रखा जा सकता है। बहुत अनोखी ट्रॉफी है, बस थोड़े से मॉडर्न बदलाव की जरूरत है और इससे मेकअप के लिए एक कमाल का शिल्प बन गया। एलोएल डॉल्स ने मस्ती करने का तरीका खुद निकाला है। बार्बी की फोटो कलर करके उनके हिसाब से वो बंदर जैसे कानों के साथ ज्यादा अच्छी लगेगी। एरियल को कैसे भूल सकते थे, ये तस्वीरें बहुत बुरी है। जाहिर बात है इसमें रूममेट्स को बहुत गुस्सा आया, वो अपना बदला लेकर रहेंगी। अब बॉर्डर का मजा चखो। उनकी बकवास बोल नहीं रही। एलोएल डॉल्स इसके लिए माफ नहीं करेंगी। अब तो हद पार हो गई। मेसी खेल रही है और किचन में खाना ठंडा हो रहा है। वो खाने चली गई और एरियल को भारी स्मार्टफोन के नीचे दबा दिया। बार्बी को अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद करनी होगी और वो जितनी दिखती है उससे कई ज्यादा ताकतवर है। पर एरियल गायब हो गई। वो स्मार्टफोन में फंस गई। डॉल को वर्चुअल दुनिया से आजाद करने के लिए प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक करें। ओह अब देखते हैं। शुक्रिया दोस्तों, आपकी वजह से वो फिर से आजाद हो गई। एरियल बच गई और बहुत थक गई। आज के लिए इतने क्रेजी एडवेंचर्स काफी हैं। बहुत बिजी दिन था। गुड नाइट। पर एलोएल डॉल्स इतनी जल्दी नहीं सोती। उनके हिसाब से कमरे में इतनी लाइट काफी नहीं है। ये लैंप की तार है। उन्हें अपने आसपास सब ब्राइट अच्छा लगता है, जिससे वो अपने रूमीज के चिड़चिड़े चेहरे भी देख सकते हैं। एलोएल डॉल्स बहुत चालाक है। बार्बी को अभी से लैंप से टैनिंग हो रही है। उसे अभी इसी वक्त बंद करना होगा। अपनी डॉल चीयरलीडिंग टीम की स्किल्स का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। लाइट बल्ब निकल गया। एरियल ने स्टैंड से पहले स्ट्रेचिंग नहीं की और बार्बी का वजन कुछ बढ़ गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास केन है और वो उससे बहुत प्यार करता है। वो हमेशा फूल लेकर आता है। वो एक परफेक्ट लड़का है, पर वो आर्ट्स और क्राफ्ट में अच्छा नहीं है। बार्बी को अपना शैंडलियर खुद बनाना पड़ा। उसे इम्प्रेस करना मुश्किल हो सकता है, पर इस शैंडलियर के साथ उसने खुद को और एरियल को भी इम्प्रेस कर दिया। सारी डॉल्स को कैंडी पसंद होती है। उन्होंने मेसी की छिपाई हुई कैंडी चुरा ली। मोनिका ने फॉल को फेंका नहीं, उसने एलोएल डॉल्स रूम के लिए उसे एक सिल्वर मिरर में बदल दिया। क्या बात है। पर बार्बी उस मिरर में क्या कर रही है, अपने गुलदस्ते का दिखावा। वो उसे लेना चाहती है, पर अचानक आए भूकंप ने उनका सारा काम कर दिया। बार्बी का गुलदस्ता मिरर डेकोरेट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। असल में एलोएल डॉल्स जानती है कि बार्बी के पास एक बॉयफ्रेंड है। पुरानी डॉल्स ने अपनी बुरी रूममेट से बदला लेने का एक प्लान बनाया
अब बार्बी अपनी एक्टिंग स्कूल की स्किल्स दिखाएगी। एरियल मदद मांगने के लिए चिल्लाने में माहिर है, हर बार कामयाब रहती है। टॉय पुलिस मदद के लिए आ गई। उसके पास सिर्फ कैंडी कैन ही नहीं है, वो बहुत बहादुर और ईमानदार भी है। अब उसे अपना काम करना होगा। क्राइम सीन पर जांच पड़ताल के लिए फेंस की जाती है। थैंक यू। अचानक से विक्टिम जिंदा हो गया, ये तो चमत्कार है। इतनी जल्दी आने के लिए पुलिस का शुक्रिया। प्लान काम कर गया। अब उनके पास कॉफी टेबल के लिए रूम में जगह बन गई। लोवेल डॉल्स ने ऐसा नहीं सोचा था, वो दोनों ऐसा नहीं होने देंगी। उन्हें पुलिस से डर नहीं लगता। चलो करें बेबी, मैं कानून जानती हूँ। मैजिक हाउस में एक और मजेदार दिन बीत गया। फिर मैसी ने एरियल की जगह हगी बगी को रखने का फैसला किया। तो क्या हुआ, डॉल्स को भी बदलाव अच्छा लगता है और मैसी को सरप्राइज अच्छे लगते हैं। बार्बी डर गई और उसने अपनी दोस्त का बैग चेक करने का सोचा। पहले उसे लगा कि एरियल ने मेकअप नहीं किया, उसने उसे ऐसे पहले कभी नहीं देखा। पर उसकी दोस्त आमतौर पर ऐसा नहीं करती। उस बुरे हगी बगी ने पूरे घर को हिला डाला। इस घर में कोई लड़कियों की नींद नहीं बिगाड़ता। परी मॉन्स्टर की किस्मत खराब निकली, उस बेचारे को कारपेट की तरह जमीन पर लिटा दिया। मैसी ने उसे ऐसे देखा तो लगा कुछ गड़बड़ है, वो फिट नहीं हो पाया। अब एरियल को वापस भेजना चाहिए।